जय हिंद। तो आज के क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे त्रिकोणमिति। कल अध्याय 8 है, एनसीईआरटी है। तो देखिए, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ बेसिक देख लेते हैं। इसमें कुछ फॉर्मूला आता है, उसको देख लेते हैं, ताकि हमको एक्सरसाइज बनाने में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज है, इससे अक्सर अक्सर ना हमेशा बोर्ड एग्जाम में है ना 2 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। यदि आप चाहते हैं कि यह नंबर पूरा एग्जर्वेशन करें, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। जैसे आप लोग को मालूम होगा कि इसमें कुल कितने निष्पत्ति हैं, 6। त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्ति हैं, 6 हैं। ठीक है, कौन कौन है? देखिए, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा, और लास्ट में कोसेक थीटा। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कुल इतना ही निष्पत्ति है, 6 निष्पत्ति है। तो देखिए, इसमें करना क्या है, देखिए एक दूसरे का इन्वर्स करना है। ठीक है, देखिए साइन का कॉस हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, और सेक का कोसेक। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। तो जब साइन का बार आए, तो साइन थीटा बार अब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों कॉस 90 माइनस थीटा। देखिए यहाँ पर हम थीटा लिखे, आप यहाँ पर एंगल चेंज भी कर सकते हैं। बहुत सारा बुक्स में ए लिखा रहता है, और कितना बुक्स में थीटा लिखा रहता है। तो आपका इच्छा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, थीटा लिखे चाहे ए लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ध्यान में रखिए कि एक्चुअली क्या पूछ रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो देखिए, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखिए, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। गाइज, एक दूसरे का इन्वर्स है। ठीक है, अब आगे चलिए, साइन कॉस हो गया, अब देखिए टेन थीटा। तो देखिए टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉट कॉट 90 माइनस थीटा। ये 90 एंगल है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, जब हम पूछेंगे कॉट थीटा, तो कॉट क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। अब आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस सेक क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। और कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक। कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा। तो आई होप कि दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि मान लीजिए नहीं समझ है, तो एकदम छोटा सा एक बार और देख लीजिए, और इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।